तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे DOE की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 9th की वर्कशीट को, जो कि 18/8/2023 डेट के लिए है, वो भी दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो कॉमेंट में लिंक मिल जाएगी, देख लो। और क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट 19 तारीख तक की अपलोड है, वो भी आप देख सकते हो, कमेंट में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो एग्जांपल है, सॉल्यूशन साथ में है, और ये एग्जांपल 1 है, 1-2 का सॉल्यूशन साथ में है, ठीक है। प्रैक्टिस आप कर लेना, हिंदी में भी सेम। एग्जांपल 2 एग्जांपल 1 सॉल्यूशन साथ में है, प्रैक्टिस कर लेना। जो क्वेश्चन दिया गया करने के लिए उसको देखो ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन है, स्वयं प्रयास कीजिए, दिए गए चित्र में y का मान ज्ञात कीजिए। ये देख रहे हो ना, ये इसमें हमें y का मान निकालना है, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो, ट्राई योर सेल्फ, फाइंड वैल्यू ऑफ y इन द गिवन फिगर, ठीक है। ध्यान से देखो, अब इसमें रैखिक युग्म है, ठीक है। तो आंसर कैसे करोगे, ध्यान से देखो, y का मान निकालना है। इस रेखा पर ये टोटल रैखिक युग्म है, यानी 30+y+50 तीनों मिला के कितना होगा, 180 के। तो क्या लिखोगे, 30+y+50 180 के होगा। क्यों, रीज़न लिख दो। हिंदी में लिखोगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, और इंग्लिश में लिखोगे आप लीनियर पेयर, शॉर्टकट में LP। कंडीशन जरूर लिखो, किस कंडीशन से, किस कारण ये 180 के हुआ है। आगे देखो, 30 और 50 इधर प्लस करो, कितना हो जाएगा, 80, और प्लस y सेम लिखो, बराबर फिर सेम लिखो, 180 सेम लिखो। नंबर को नंबर की साइड भेजोगे, यानी कि प्लस 80 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर y बराबर 180 लिखो, प्लस 80 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। अब y बराबर घटाओगे, 180 में से 80 घटाओ, आ जाएगा 100। ये आपका आंसर है, y का मान आ गया, ठीक है। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, ठीक है। 100 आपका ये आंसर है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका आंसर है।